चार वर्षों में राजस्थान को अपराध के क्षेत्र में नंबर वन बना दिया है। महिलाएं असुरक्षित हैं, अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं, चाहे दलित की बात हो, महिला की बात हो, अत्याचार में नंबर वन देश में राजस्थान है। आपराधिक मामलों में नंबर वन राजस्थान है। जो कभी पर्यटन में नंबर वन होता था, उसको असुरक्षित राज्य की दृष्टि से नंबर वन बनाने का काम किया है। आपसी मनमुटाव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हो, उसके चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जिनके वरिष्ठ नेता ये कहते हों कि यहाँ मर्द ज़्यादा हैं इसलिए इस तरह की घटनाएं होती, तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि क्या मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की है। अगर कांग्रेस के नेता की बेटी ही सुरक्षित ना हो, पूर्व मंत्री की बेटी सुरक्षित ना हो, तो आम परिवार के साथ क्या बीतती होगी? क्या अशोक गहलोत जी के पास इन बातों का जवाब देने का समय है? क्या कभी उन्होंने कोई कार्रवाई की कि हर बार जाति और संप्रदाय का रंग देकर वो अपनी राजनीति करेंगे और वोट बटोरने का काम करेंगे? आखिरकार हमारे राजस्थान की दुर्दशा किसने की? तो उसके लिए एक ही पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी।